सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका प्रश्न इन तीनों लोकों को हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, यह वेदांत का सार सर्वज्ञ है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापराशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, यह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला भी है। कलि की कलमश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव का उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा से ही अपने प्रभाव की दृष्टि से या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप सक्त जीव श्रेष्ठम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल पुराण का पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार पुराण के 12 भेदिया खंड हैं। ये 12 संहिता अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोक की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग यह आदरपूर्वक सुने। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का 4th स्थान है। इनमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि से निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजित कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराण का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों में ही रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोक में प्रतिपादन किया। यही उसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसके पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य पुराण के वेद के तुल्य प्रमाणित तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इससे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, विविध तापों में नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्पट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की प्राप्ति का भी साधन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा में इसका गान किया गया है।
जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, यह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है।